जय हिंद दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे आपका यूट्यूब चैनल इंटरसेक्शन 90 पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी मैथमेटिक्स का 2 क्लास खत्म हो चुका है। पहला क्लास था आपका, पहला टॉपिक था टाइम नंबर सिस्टम और दूसरा था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो दोनों चैप्टर आपको कम्प्लीट खत्म हो चुका है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं और एक नया चैप्टर जो कि आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक एग्जाम में आपको इस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखिए आप। तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का बेसिक क्लास से आज हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क होता क्या है? तो पहले बात, टाइम एंड वर्क होता क्या है? देखिए, टाइम एंड वर्क आपका होता क्या है? मान लीजिए आपके पास काम है, टोटल 120 काम आपके पास है। ठीक है, टोटल 120 काम आपके पास है और उस काम को ख़त्म करने के लिए आपके पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ 6 दिन। ठीक है, आपके पास टोटल काम है 120 और उस 120 काम को ख़त्म करने के लिए आपको टोटल दिन आपको आपके पास है 6 डेज। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये है, आपको वो टोटल 120 काम को 6-6 दिन में ख़त्म करने के लिए आपको कितना आदमी चाहिए? ठीक है, तो आपके पास कितना आदमी होंगे ताकि आप ये जो 120 काम है उसको 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हो? ठीक है, तो ये आपको चाहिए, तो आपको चाहिए टोटल पर्सन। ठीक है, तो आपको चाहिए टोटल पर्सन, मतलब कितना आदमी चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्क बाय टाइम मतलब 120 बाई 6 इसको आपका 20। ठीक है, 12% आपको चाहिए जो कि 120 काम को 6 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, 6 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में एक्चुअली होता क्या, टाइम एंड वर्क में एक्चुअली दो फॉर्मूला ही आपका आपका इम्पोर्टेंट है। एक है आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। और एक भी है, टोटल टाइम इंटू टोटल पर्सन इसको टोटल वर्क। ठीक है, अभी हमने जो किया, टोटल पर्सन आपको चाहिए था, टोटल वर्क हुआ, टोटल टाइम हमने किया। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क और टोटल टाइम इंटू टोटल पर्सन इज इक्वल टू आपको टोटल वर्क आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, तो ये क्या है, आपको तो पता है कि टाइम क्या है, वर्क क्या है, टोटल टाइम क्या है, टोटल पर्सन कितना चाहिए आपको, टोटल वर्क कितना है, ये तो आपको पता है। लेकिन ये एफिशिएंसी क्या है आपका? तो एफिशिएंसी है आपका, एफिशिएंसी जो है वो है आपका एक आदमी का वन डे वर्क, मतलब एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकते है, वो ये उसका एफिशिएंसी है। ठीक है, एफिशिएंसी है, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है। ठीक है, ये उसका एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी आपको पता चल गया। तो और एक मतलब टाइम एंड वर्क में कुछ 3 या 4 टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट टाइप का आपको देखने को मिला एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, एफिशिएंसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है आपका वेजेस के ऊपर। ठीक है, तीसरा है आपका रिमेनिंग वर्क के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। 4 नंबर टोटल वर्क के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 में आपको अल्टरनेटिव डे, और एक इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट है ये, अल्टरनेटिव डे के ऊपर आपको भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और भी एक है आपको MDH। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, मैं आपको जब इस टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उस टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तो ये 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ईजी चैप्टर, एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको इस पूरे चैप्टर में काम में आएगा। ठीक है, तो क्या है वो ना, जो टाइम है
टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका एफिशिएंसी, ठीक है, टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका एफिशिएंसी, ठीक है, टाइम इन एफिशिएंसी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब क्या है, आपको वन डे वर्क मतलब एक आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं, जो आदमी एक दिन में मान लो आपका आपको टोटल वर्क है 100, आपके पास वर्क है 100, ठीक है, आपके पास वर्क है 100, आपके पास एक आदमी है बी एक आदमी है, ठीक है, एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी कितना है ना, एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम, मतलब ए का ए एक दिन में मान लीजिए 5 काम कर रहा है, ठीक है, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 10 काम कर रहा है, ठीक है, मतलब ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 10 है। अगर ए एक दिन में 5 काम कर रहा है तो टोटल 100 काम करने के लिए इसको कितना दिन लगेगा, 100/5 20 डेज। अगर एक दिन में ए 5 काम कर रहा है तो 20 दिन में 100 काम करेगा, फाइन। देन बी, अगर बी एक दिन में 10 काम कर रहा है तो पूरे 100 काम करने के लिए उसको 10 दिन लगेगा, ठीक है। ये था इसका एफिशिएंसी ए और बी का, और ये था आपका टाइम, ठीक है। तो देखिए, एफिशिएंसी ए का कम है इसलिए उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, और बी का एफिशिएंसी ज़्यादा है ए से इसलिए उसको ए से कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसको कम टाइम लगेगा, जिसका एफिशिएंसी कम होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये था इसका कंसेप्ट। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बहुत कुछ 4-5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वो भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, मोहन कैन डू ए जॉब इन 20 डेज, ठीक है। मोहन एक आदमी है, वो एक काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक है, मोहन का टाइम है 20 दिन। और कहते हैं आपको, सोहन कैन डू द सेम जॉब इन 30 डेज, सोहन जो है वो उसी काम को 30 डेज में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। मोहन एक काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, सोहन उसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि अगर मोहन और सोहन मिल जाए तो उस एक काम को कितने दिन में ख़त्म करें, मोहन एक काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, सोहन उसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और मोहन और सोहन मिल जाए तो वो काम को, जो काम मोहन और सोहन कर रहे थे, उस काम को ख़त्म करने के लिए कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमें क्या चाहें, हमें फॉर्मूला याद है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, ठीक है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। तो हमें टाइम यहाँ पर गिवन है, ठीक है, तो हमें वर्क और एफिशिएंसी फाइंड करना है, ठीक है। तो वर्क आप कैसे फाइंड करेंगे ना, क्या करेंगे ना, इसके एलसीएम आप ले लीजिए, मोहन का 20 दिन, सोहन का 30 दिन का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपको 60 आएगा। जो भी आपके एलसीएम आएगा वो आपका टोटल वर्क होगा, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये पूरा चैप्टर में लागू है, ठीक है। इस फंडा को लेकर हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मोहन एक काम को 20 दिन में ख़त्म करे, सोहन एक काम को 30 दिन में ख़त्म करे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 आपका टोटल वर्क है, ठीक है, तो 60 आपका टोटल वर्क है। तो 60 काम को ख़त्म करने के लिए मोहन को 20 दिन लग रहा है, तो मोहन एक दिन में कितना काम करेगा, अगर मोहन 20 दिन में 60 वर्क काम कर रहा है, तो एक दिन में आपका 60/20 आपका 3 काम करेगा। उस तरह सोहन एक दिन में 60/30 2 काम करेगा, मतलब एफिशिएंसी यहाँ पर मोहन का एफिशिएंसी, सोहन का एफिशिएंसी हमें मिल गया, मतलब मोहन का एक दिन काम 3 है, सोहन का एक दिन काम 2 है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एक दिन का काम, तो मोहन का एफिशिएंसी 2 है, सोहन का एफिशिएंसी मोहन का एफिशिएंसी 3 है, सोहन का एफिशिएंसी 2 है। अगर क्वेश्चन में दिया आपको मिल टुगेदर, तो अगर मोहन का एफिशिएंसी 3 और सोहन का एफिशिएंसी 2, तो मोहन और सोहन अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे ना, 3+2=5 काम करेंगे। तो मोहन और सोहन एक दिन में 5 काम करेंगे, तब आपके पास क्या है, तो आपको मिल गया क्या, एफिशिएंसी आपको मिल गया 5,
ठीक है, आपका टोटल वर्क मिल गया आपका 60। तो आपको फाइंड करना टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल कितना होगा आपका, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। तो वर्क आपका 60 है बाय एफिशिएंसी आपका 5 है, तो आपका 12 डेज लगेगा मोहन और सोहन को मिलके उस काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, मोहन और सोहन को एक उस काम को ख़त्म करने के लिए कितना दिन लगेगा ना, 12 दिन लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या क्या बोल रहा है, देखिए आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, ए एक काम को 18 दिन में खत्म कर रहा है, ए एक काम को 18 दिन में खत्म कर रहा है, ए एक काम को 18 डेज में खत्म कर रहा है। और कहते हैं बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए, मतलब ए एक काम को 18 दिन में खत्म कर रहा है और बी क्या कर रहा है ना, ए जितना टाइम ले रहा है उसका हाफ टाइम बी ले रहा है। ठीक है, मतलब ए को उस काम को ख़त्म करने के लिए जितना टाइम लग रहा है, बी को उसका हाफ टाइम लग रहा है। हाफ टाइम मतलब 18 डेज का हाफ 9 डेज। तो अभी क्वेश्चन आपको ये है, अगर ये दोनों मिल जाए ए और बी मिल के उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सेम फंडा, आपका एलसीएम आप कितना होगा 18 होगा, या वो टोटल वर्क है। तो ए 18 दिन में 18 काम कर रहा है, तो एक दिन में एक काम करेगा। बी उस तरह एक दिन में 18/9 दो काम करेगा। ठीक है, तो आपको टुगेदर बोला है, तो ए प्लस बी मिल के एक दिन काम कितना होगा, 1+2 आपका 3 होगा, 3 वर्क होगा। तो आपको फॉर्मूला याद है क्या, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। तो आपको टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। तो आपके पास वर्क कितना है, वर्क आपका 18 है, एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 18/3 आपका 6 डेज लगेगा ए और बी को मिलकर उस काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ए और बी को ख़त्म करने के लिए टोटल 6 डेज लगेगा उस काम को ख़त्म करने के लिए मिलके टुगेदर। तो तभी तक रहता हूँ, धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तभी तक रहता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।